प्यारे बच्चों जय हिंद। छठी से आठवीं कक्षा के गतिविधि पत्रक में हिंदी विषय में आज हम बात करेंगे मुगल गार्डन की। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी पर बना ये भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। इसी भवन के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी है। ये बाग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। बसंत ऋतु में इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ अनेक प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त औषधीय गुणों से युक्त पौधे और जड़ी बूटियाँ भी क्यारियों और गमलों में प्रदर्शित की जाती हैं। चारों ओर बिछी हुई घनी मुलायम हरी हरी धूप पर चलने का अपना ही आनंद है। लगता है जैसे मखमल के गलीचों पर चल रहे हों। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है। अनेक कुशल माली और बागवान इस कार्य में लगे हुए होते हैं। जब इस उद्यान में फव्वारे चलते हैं तो इसकी छटा कई गुना बढ़ जाती है। अब बच्चों आई बारी गतिविधि की, तो अपने विद्यालय में लगे हुए किन्हीं 10 पेड़ पौधों के नामों की सूची बनाएं। दूसरी गतिविधि है कि आपके घर के आसपास किसी बाग या पार्क की विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियां लिखें। और तीसरी गतिविधि आपकी पसंदीदा, कि आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। चौथी गतिविधि, हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों जल्दी से इस गतिविधि को कीजिए और अपनी अपनी कक्षा अध्यापकों को भेज दीजिए।